Yashoda Nandana, 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 Nand
अज्ञान्तिमिरस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मुक्तं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदाङ्कितम्। अनुन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवाञ्च श्रीरूपां सागरजातान् सगण रघुनाथांकितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललितां श्रीविशाखांबिकां च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी आशान्तदेशकारिणे। नमो महावदन्दाय कृष्ण प्रेम प्रदायके कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गोर्धविषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिता कांत श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो आज का टॉपिक क्या है? एकादशी का महात्म्य। सो कौन कौन जाते हैं एकादशी महात्म्य? एकादशी का क्या क्या हमारे हम लोग एकादशी क्यों मनाते हैं? किसी को कुछ आइडिया? एनीबडी कैन ऐड? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और कोई? भगवान को सबसे प्रिय दिन एकादशी है। करेक्ट, भगवान को प्रिय दिन एकादशी है। तो हमारे देश में सामान्यतः बहुत से उपवास मनाए जाते हैं। हर दिन कोई ना कोई सप्ताह में एक दो दिन तो हम लोग उपवास करते हैं। भारतीय कल्चर में तो भारतीय कुछ ना कुछ तो उपवास करते हैं, तो व्रत रखते हैं। कि किसके लिए व्रत रखते हैं ज्यादातर हम लोग? जो नॉर्मल लोग रखते हैं हिंदू धर्म में व्रत तो बहुत होते हैं, उपवास तो बहुत होते हैं। तो किसके लिए ज्यादातर हम लोग व्रत रखते हैं? कि हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं उसकी प्राप्ति करने के लिए। तो विविध देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उसकी अलग अलग नीतियां हैं कैसे करना है, तो वैसे ही लोग करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो साधारणतः धन प्राप्ति के लिए, ठीक है, भौतिक सुख के लिए, जैसे कि बीमारी से कोई ठीक हो इसके लिए हम व्रत रखते हैं। टेंथ में अच्छे मार्क्स आए, अच्छी नौकरी के लिए, अच्छी पत्नी के लिए या पति के लिए, बराबर, इसके लिए 16 सोमवार, करेक्ट। ये व्रत हम किसके लिए करते हैं? 16 सोमवार कौन करता है ज्यादातर? कौन करता है? हाँ, 16 सोमवार हम लोग क्यों करते ज्यादातर? माता जी लोग करते हैं अच्छी पति के प्राप्ति के लिए। सोमवार के सोमवार जल चढ़ाए भूखे पेट, उससे पति प्राप्त होंगे। हाँ, किसने किया है जिसको अच्छे पति प्राप्त हुए हो? ठीक है, ऐसा हमारी सभ्यता है कि हम लोग जैसे हमारे विद्यालय हम लोग कंडीशन है ऐसे करने के लिए, क्योंकि हमको सिखाया गया है हमारे माता पिता ने, हमने पूर्वजों ने, कि ऐसा करना है, ऐसे करने से ही हमको लाभ हासिल होगा।
सो ये कैसे करते हैं हम लोग? इट इज लाइक एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम. ऐसा थोड़ी चलता है भगवान, ऐसे थोड़ी आपको प्राप्त हो जाएंगे. तो ये बहुत ही गलत है कि हम लोग कोई बिजनेस डील नहीं कर रहे हैं कि आप मुझे ये दो मैं आपको वो दूंगा. जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा. ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, भगवान ऐसा नहीं करते. तो ये लेन देन का सिस्टम भगवान के चरणों में नहीं चलता है. तो भगवान प्राप्ति, भौतिक इच्छा की प्राप्ति के लिए उपवास करने वाले को फल मिलता है, ऐसा नहीं है कि फल नहीं मिलता है. लेकिन वो फल कैसा रहता है? क्षण क्षण भर के लिए या टेम्पररी. जैसे कि एग्जाम में आपको, जैसे आपने मैं 108 नारियल तोड़ूंगा अगर मुझे डिस्टिंक्शन मिल जाए 10th में. तो 108 नारियल तोड़ते हैं आप, डिस्टिंक्शन मिल गया, बाद में क्या? बाद में वही साइकिल में आपको वही जो रोज का श्रम करना पड़ता है. तो श्रम से मुक्ति तो नहीं मिलती आपको, श्रम तो करना ही पड़ता है. तो ऐसा ही है. तो इस धरती को क्या बोला है? धरती को हमारी सांस्कृतिक भाषा में क्या कहते हैं? संस्कृत भाषा में मृत्यु लोक. जहां क्या शिवर है? 100% मृत्यु ही शिवर है. और क्या कहते हैं भगवत गीता में? क्या कहते हैं, क्या उल्लेख किया है इस धरातल को? दुखालय अशाश्वतम. इसका मीनिंग क्या है? कोई वस्तु शाश्वत नहीं. हाँ, कोई वस्तु शाश्वत नहीं है. इसका मतलब क्या है कि यहाँ दुख ही दुख है. जैसे कि आलय, आलय का मतलब जहाँ हम लोग रहते हैं, जैसे कि जहाँ एक जगह है उसको आलय बोलते हैं. और जब वो चीज मिलते हैं उस आलय में वही चीज मिलती है. लेकिन दुखालय हम लोग बोलते हैं. जैसे कि वाचनालय, वाचनालय हम क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी को वाचनालय, जिसे वाचन होता है. शौचालय में शौच करते हैं. ऐसे ही दुखालय में आपको क्या मिलेगा? दुख ही मिलेगा. सो यहाँ क्या बोलते हैं? फुल ऑफ मिजरीज. सो ये धरातल फुल ऑफ मिजरीज है, दुख का सागर है. और क्या है? टेम्पररी है, ठीक है. टेम्पररी बोल तो आपका जो जीवन काल है इस धरातल में वो किसी क्षण भर है. आपको कभी मृत्यु आ जाएगी आपको पता नहीं. किसी को पता है क्या? कोई बता सकता है हाथ ऊपर करके कि मेरी मृत्यु इस दिन पे यही टाइम पे होगी? ऐसा पता नहीं है. आजकल के आपने बहुत से एक्सीडेंट केसेस तो देखे रहेंगे. तो कभी भी मृत्यु आ सकती है. तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि इस मनुष्य जीवन का महत्व नहीं जानते, ठीक है. तो इसके लिए वो विचलित हो जाते हैं और उनको लगता है कि क्षण भर है तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मौज मस्ती करना चाहिए. मौज मस्ती में ही जिंदगी बितानी चाहिए क्योंकि क्षण भर है, अगला जन्म मिले या ना मिले. तो ये गलत प्रक्रिया है जीवन जीने का. तो भगवान श्री कृष्ण भौतिक इच्छा प्राप्त करने के लिए, उपवास करने के लिए आपको सफलता तो मिलती है. लेकिन ऐसे व्रत करना मतलब भगवान से किया हुआ सौदा है, ठीक है. आप सौदा करते हो जो मैंने बोला. हमारी इच्छा पूरी होते ही व्रत समाप्त हो जाता है और बाद में हम भगवान को भूल जाते हैं, करेक्ट. जैसे कि मनुष्य का ये है आचरण है कि अपना मतलब होने के बाद वो व्यक्ति को भूल जाना चाहिए. वैसे ही हमारा आचरण रहता है भगवान के समीप. जैसे हमारी इच्छा पूर्ण होती है हम भूल जाते हैं. जैसे कि हमारी इच्छा है कि बंगला मिले, गाड़ी मिले, ऐशो आराम मिले. जैसे ये चीज आते हैं तो हम भगवान को भूल जाते हैं. ये क्यों होता है ऐसा? जरूर पता है क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम माया से घिरे हुए हैं. वी आर इन दिस इल्यूजन दैट एवरीथिंग इज फॉर मी, ये सब मेरे लिए है और मैं इसका उपयोग करूंगा. लेकिन ये गलत व्याख्या है. ये सभी के सभी जो है व्यक्ति, वस्तु या कुछ भी हो, ये सभी भगवान को समर्पित करना चाहिए. जैसे कि हम बोलते हैं कि ब्रह्मचारी तो ठीक है, भगवान के लिए उनका लाइफ पूरा उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया और वो इजीली भक्ति कर सकते हैं. लेकिन जो गृहस्थ लोग हैं या सामाजिक लोग हैं वो कैसे अपनी जो लाइफ है समर्पित? इट्स वेरी डिफिकल्ट.
ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है कि हम लोग कैसे भगवान को कुछ चीज अपना सेवा है कैसे करें। सेवा करने का मुझे मौका ही नहीं मिलता, दिन भर काम करके बाद में शाम के समय थके हार के हम लोग घर पे आते हैं तो हमको आराम चाहिए। तो ऐसा है, जो भी आप काम करते हो, जो भी क्रिया करती हो या करते हो, तो वो क्रिया हम भगवान की सेवा के समान करना चाहिए। क्योंकि जो भी मैं कर रहा हूं या मैं कर रही हूं, वो भगवान के लिए कर रहा हूं या कर रही हूं, ये उसका पीछे का कॉज होना चाहिए। ठीक है, तो हम जो अगर पैसा भी कमा रहे हैं तो पैसा किसके लिए कमा रहे हैं? तो पहले जब भी नया नया जॉब लगता है तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपनी पहली तनखा क्या करते हैं, भगवान के समीप रखते हैं। क्यों? भगवान का दिया हुआ है और भगवान को हम क्या बोलते हैं, धन्यवाद प्रकट करते हैं कि मुझे जॉब मिला, ये मेरी पहली कमाई है, तो कृपया इसको स्वीकार करें। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, प्रसाद का भोग लगाते हैं, वैसे ही जो हमारी धन राशि है हम लोग भगवान को समर्पित करते उसका भोग लगाते हैं, और एज अ पार्ट ऑफ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, क्योंकि हमें पता नहीं वो धन कहाँ से आया है। हम किसी कंपनी में या किसी दुकान में या कहां पर भी काम करते हैं, लेकिन वहां का शुद्धिकरण कैसा रहता है पता नहीं, वो जो धन की लाभ जो हुआ है हमको, किस वजह से हुआ, कहां से आया है पैसा, हमको पता नहीं रहता है। इसलिए हम वो जो धन राशि है भगवान को समर्पित करते हैं, भगवान के चरण में रखते हैं और उसका शुद्धिकरण हो जाता है, प्रसाद के समान हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी क्रिया करते हैं हम। तो श्रील प्रभुपाद जी जो जरूरत होने पर भगवान की, अगर उनकी जरूरतें खत्म हो गई तो भगवान को भूल जाते हैं, ऐसे व्यक्ति को प्रभुपाद जी ने क्या कहा है, ऐसे व्यक्ति को प्रभुपाद जी ने भौतिक धर्म कहा है। भौतिक धर्म माने मटेरियल धर्म, विच इज रिक्वायर्ड टू ओनली फुलफिल योर मटेरियल डिजायर। इसका मतलब पता चला, भौतिक कार्यों के लिए आपको जो चीजें चाहिए रहते हैं उसके प्राप्ति के लिए जो आप करते हैं वो भौतिक धर्म है, और उसका लाभ जो मिलता है आपको वो क्षणभंगुर रहता है। ठीक है, सबको समझ में? वेरी क्लियर। भगवान श्री कृष्ण के भक्त भी एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी, गौर पूर्णिमा, मृत्युंजय जयंती, व्यास पूजन और अन्य वैष्णव तिथियों का उपवास करते हैं, लेकिन उसका व्रत भी रखते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस है। ठीक है, जो भक्त जो उपवास रखते हैं या व्रत रखते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है? तो उद्देश्य जाना, किसी भी क्रिया को करने का पीछे जो उद्देश्य है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। सो क्या उद्देश्य है? उनकी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना और अपनी जो क्रिया है भगवान को समर्पित करना, भगवान के सेवा में लगाना, यही उनका उद्देश्य होता है। यही करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। ठीक है, तो वस्तुतः भक्तों की कोई भौतिक कामना ही नहीं रहती है। जैसे आप ये जो उनकी आध्यात्मिक प्रगति हो जाती है तो उनको भौतिक सुख भी मिल जाता है। आपने देखा रहेगा कि बहुत से राजा जो भक्त हैं, जैसे कि बहुत राजा थे पहले, वो भगवान के भक्ति थे। ऐसा बोला जाता है कि राजा भगवान का प्रतिनिधित्व करता है धरातल में। ठीक है, तो ऐसे ही जब जो राजा भगवान की भक्ति करते हैं वही भक्त आगे जाके संसार में राज्य अच्छे तरीके से करते हैं। ठीक है, व्रत का पालन करने से हमको क्या क्या मिलता है, किसको बताए? अगर व्रत उपवास करे भक्तों को तो क्या मिलता है? तो व्रत का करने का मतलब मैं बताता हूं, भक्त अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए व्रत रखते हैं। व्रत का पालन करने से मूल सिद्धांत न होकर भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा बढ़ाने का उनका विचार होता है। ठीक है, उपवास करने से मन का शुद्धिकरण होता है। ठीक है, भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा बढ़ाना यह कारण है। तो श्रद्धा बढ़ती है, मन शुद्ध होता है। ठीक है, अपनी जो इंद्रियां हैं उन पे आपका कंट्रोल हो जाता है,
इंद्रियां हैं हमारी, जो इंद्रियों पे हम लोग को हमेशा विचलित हो जाती है हमारे कार्य करने की, कि जैसे कि आप यहाँ हैं लेकिन आपका मन और बुद्धि यहाँ है या नहीं है मुझे बिल्कुल पता नहीं। आप लोग देख रहे हैं इधर लेकिन आपका ध्यान इधर है या नहीं है ये मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मन इतना विचलित होता है कि आप एक सेकंड में यहां से अमेरिका जा सकते हैं। ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी इस धरातल में नहीं है जो एक सेकंड में अमेरिका पहुंच जाए। कैसे पहुंचते हैं? अभी मुझे देख देख के अमेरिका बारे में सोच रहे तो अमेरिका माताजी ज्यादातर लोग हमारे घर पे क्या चल रहे हैं, आज खाने में क्या होगा, कैसे क्या पकाएंगे, प्रभु जी लोग बोल रहे हैं कब इसका लेक्चर खत्म होगा, कब प्रसाद होगा। तो ऐसा हमारा मन रहता है जो विचलित हमेशा रहता है। तो इस मन को का हम लोग इंद्र को और इंद्रियों को हम लोग कंट्रोल करने के लिए इस उपवास का सहायता देते हैं। ठीक है, तो मन को वश में करके भगवान श्री कृष्ण की सेवा उत्तम प्रकार से करने के लिए हम उपवास का सहारा लेते हैं। ठीक है, एकादशी के दिन अन्न का त्याग करके शारीरिक आवश्यकताएं कम करके श्रवण कीर्तन के द्वारा भगवान की अधिक से अधिक हम लोग सेवा करने लग जाते हैं। तो ये उपवास का उद्देश्य है। तो इससे भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। भारत में अनादि काल से एकादशी का व्रत करने का पालन किया जाता है। तो लेकिन अभी लोगों का आध्यात्मिक प्रति रुचि कम हो गई है। ऐसा क्यों है? किसको बताए? हम हमारे धर्म से विलीन हो रहे हैं। आजकल की पीढ़ी तो ज्यादा ही विलीन हो रही है। ठीक है, इसका अर्थ कोई बता सकता है ऐसा क्यों हो रहा है आजकल? भौतिक कार्यों में उनको रुचि ज्यादा होती है, ऐसा क्यों? अभी कलयुग चल रहा है। कलयुग चल रहा है, चैतन्य महाप्रभु जब आए थे तभी भी कलयुग चल रहा था, लेकिन तभी भी भक्ति हो रही थी, तो अभी क्यों नहीं हो रही? सॉरी, कलयुग का प्रभाव। हाँ, कलयुग का प्रभाव आंसर है, बराबर थोड़ा कुछ है, कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है, करेक्ट। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हरिनाम का सहारा लेना चाहिए। ठीक है, तो ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि पाश्चात्य देश का इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है। ओके, पाश्चात्य देश मतलब फॉरेन कंट्रीज। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं? वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं। तो हम लोग वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं, करेक्ट। यू सी ईच एंड एवरी वन, सभी आप अपने जो यंग जनरेशन है वो क्या कर रहे हैं, यूथ क्या कर रहे हैं, ये सभी सॉन्ग बॉलीवुड हॉलीवुड उसमें जा रहे हैं, तौबा तौबा, करेक्ट। तो इसके इन चीजों से हमको क्या करना चाहिए, ये तौबा तौबा जो आया है सॉन्ग वो इसके लिए आया है कि इन चीजों से हम लोग क्या करें, तौबा तौबा करें, इनको हमारे लाइफ में करें नहीं। ठीक है, निकाल के फेंक दें। इससे क्या होता है, आपको बॉलीवुड और हॉलीवुड से क्या सीख मिलती है? किसने अपने जीवन काल में बॉलीवुड या हॉलीवुड से सीख प्राप्त करके अपने जीवन का उद्धार किया है? अभी तक हमने सुना है किसी ने भी अपने जीवन काल में? तो ये सभी समय नष्ट करने का बहाना है। तो हमने क्या बोला था, हम लोग को 84 लाख योनि के बाद ये मनुष्य जन्म मिला है, 84 लाख स्पीसीज। तो आज अगर ये मनुष्य जन्म का मूल कारण है वो अगर पता नहीं है, इसका उद्देश्य क्या है वो पता नहीं है, तो आप ये मनुष्य जन्म है वो गवा देंगे। तो मनुष्य जन्म का एकमात्र ही उद्देश्य है वो है क्या है, हरिनाम करना, वो कलयुग का धर्म है। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है, परम उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना। सो एक मैगजीन है, प्रभुपाद में गया है, वो क्या है मैगजीन का नाम, बैक टू गोड़े। तो हमारा क्या उद्देश्य है, परम उद्देश्य वापस वैकुंठ धाम जाना है। हम जहाँ से आए हैं वहाँ हम लोगों ने जाना है। तो हमारी जो कंडीशन है, हमारा जो सोच विचार है, वो विचार के लिए हम लोग इस धरातल में आए हैं।
कहां तक हमारा पतन हुआ रहेगा और हम वहां से यहाँ आए हैं। ठीक है, तो इसके लिए हरे कृष्ण, थोड़ा आगे आ जाइए, लोगों को थोड़ा जगह मिल जाएगा। तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आप तो नौजवान हो, आप ये हरे कृष्णा महामंत्र ये वो भगवान का ये क्यों कर रहे हो, आपका तो उम्र है, क्या करना है, मौज और मस्ती करने का आपकी उम्र है, तो आप ये सब मत करो। ठीक है, ऐसे बहुत से हमारे जो माता पिता है या बड़े जो भाई बहन है वही हमेशा ऐसा ही सुझाव देते हैं, लेकिन उनको आध्यात्म का ज्ञान है बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनको ये पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं है कि अपनी जो मनुष्य जीवन है वो कभी समाप्त हो जाएगा। तो आई वुड अर्ज एवरीवन, तो जितना जल्दी आप ये लोग समझ लें कि मनुष्य का जीवन का उद्देश्य क्या है, उतनी आपकी जल्दी प्रगति हो जाएगी और आपकी जीवन सफल हो जाएगा। तो आप जितना जल्दी ये सीख ले, अपने बच्चों को समझाइए कि जितना आप जल्दी भगवान के नाम में रुचि लाएंगे उतना ही आपके जीवन का प्रगति हो जाएगा आध्यात्मिक कदम। तो आध्यात्मिक जो हमारे भौतिक में बहुत सी प्रॉब्लम्स आते हैं, राइट, हम लोग जीवन काल में आते हैं, हमारा जीवन काल ए से बी पॉइंट तक रहता है, ये बी पॉइंट कभी इधर से इधर तक आदत पता नहीं चलता, किसी को बी पॉइंट कहाँ यहाँ रहता है, कहाँ का किसी का यहाँ रहता है, यहाँ तो ए और बी दोनों मीट हो जाते हैं, उधर ही खत्म हो जाता है, जैसे गर्भाशय में कोई कोई मर जाते हैं। ठीक है, सो ये बी पॉइंट, सो स्टार्ट और एंड कभी होता है पता नहीं चलता है। तो इसलिए जितना जल्दी हम ये सीख लें या ये ध्यान में रखें कि जितना जल्दी हम लोग भक्ति में आए उतना हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो श्रील प्रभुपाद ने एकादशी तथा अन्य उत्सवों को के व्रत को रखने के लिए आध्यात्मिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग माना है। तो उन्होंने इस पे बहुत ही स्ट्रेस किया है कि हम लोग ये तिथि या जो है उसको मनाएं। तो यह सभी विधि विधान हमारे, वो कहते हैं कि यह सभी विधि विधान हमारे महान आचार्यों ने उन लोगों के लिए बनाए हैं जो दिव्य जगत में भगवान का संग पाने के इच्छुक है। महात्मा गण इन सभी विधि विधानों को मानते हैं, इसलिए उनको फल का प्राप्ति हुआ है। ये शब्द श्रील प्रभुपाद जी के, हरे कृष्णा। सो एकादशी, कल कौन सी एकादशी थी, इंदिरा एकादशी। सो एकादशी मतलब क्या, एक दशी, एक और दस ग्यारह। ठीक है, तो ग्यारहवा दिन, ग्यारहवा दिन कौन सा, कृष्ण पक्ष से ग्यारहवा दिन और शुक्ल पक्ष से ग्यारहवा दिन को एकादशी आती है। ठीक है, इससे भौतिक इसमें देखा जाए तो पूर्णिमा का ग्यारहवा दिन और अमावस्या के ग्यारहवा दिन हम एकादशी आती है। सो एकादशी को हम हरिवास रह ऐसे भी कहते हैं, इसके मीनिंग क्या है, करीब कहां कि हरि का वास रहता है वो एकादशी वो दिन। ठीक है, उसको और एक नाम है कि माधव तिथि, तिथि माने शुभ समय और माधव माने भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, सो अगर एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो हमारी जो दिन है जो उत्सव है या तिथियां हैं वो ऐसे ही आती हैं, जैसे कि अक्षय तृतीया, गणेश चतुर्थी, नाग पंचमी, ओढ़ना षष्ठी, ठीक है, अद्वैत सप्तमी, राधा अष्टमी, राम नवमी, विजय दशमी और बाद में एकादशी। ठीक है, तो ऐसा है, तो एकादशी उपवास, उपवास माने हाँ भगवान, उप माने नजदीक रहना, वास माने वास भगवान का वास करना। सो भगवान के नजदीक जाने का समय या तिथि या उस दिन को हम लोग
उपवास करते हैं, ठीक है। एकादशी, एकादशी उपवास मतलब उपवास का मीनिंग बोला अभी, एकादशी उपवास मतलब क्या है? सो एकादशी मतलब हमारी जो 11 इंद्रियां हैं वो पूरी इंद्रियां भगवान के कार्यों में लगाना, भगवान की सेवा में लगाना। अभी आप लोग पूछेंगे कि 11 इंद्रियां, 11 senses, we have knowledge of 5 senses, प्रभु जी 11 कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो 11 कहां से आ गए? अभी वो वापस स्कूल में चले जाएंगे, अरे हम लोग टीचर ने गलत सिखाया या प्रभु जी गलत बोल रहे हैं, पता नहीं, ठीक है। तो ये 11 जो है मैं बताता हूँ, 5 आपकी क्या रहती है? ज्ञानेंद्रिया, ठीक है। 5 अपनी रहती है कर्मेंद्रिया और एक मन, ठीक है। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिया, इससे क्या मिलता है आपको? ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये 5 ज्ञानेंद्रिया कौन सी है? ये तो पता है सबको, ये 5 ज्ञानेंद्रिया स्कूल में सिखाया था, ठीक है। जो जो लोग स्कूल में गए उनको पता है। सो 5 ज्ञानेंद्रिया कौन सी है? आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ठीक है। और 5 कर्मेंद्रिया, ये 5 कर्मेंद्रिया कौन से? 5 कर्मेंद्रिया, कर्मेंद्रिया मतलब जिससे आप ये काम करते हैं, जैसे मुंह, हाथ, लिंग, गुदा और पैर, ठीक है। इससे हम ये क्रिया करते हैं, ये जो कर्मेंद्रिया है वो काम करने की इंद्रिया है, जिससे कि हमें ज्ञानेंद्रिया, हमारी ज्ञानेंद्रिया से हम ये जो ज्ञान है वो प्राप्त करते हैं। जैसे कि मुंह है, मुंह से हम लोग बात करते हैं, मुंह से हम पढ़ते हैं, मुंह से भगवान का कीर्तन करते हैं, ठीक है। ऐसे हाथ से हम लोग भगवान के समीप हम लोग हाथ जोड़ते हैं, क्लैप बजाते हैं, भगवान के चरण कमलों में हम लोग हाथ जोड़ते हैं और भगवान की सेवा करते हैं। पैर मने तो भगवान के पैर, भगवान के पैर किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? मंदिर आने के लिए, वेरी गुड, मंदिर आने के लिए, यहाँ आने के लिए, संडे फिस्ट में आने के लिए, ठीक है, और धाम में जाने के लिए, ठीक है। ऐसे हम लोग कर्मेंद्रिया का उपयोग करते हैं। और लास्ट में जो मन है, मन इस सब पे हम लोग ज्ञान मिला के हम लोग मन को विचलित होने से बचाते हैं और भगवान के चरण कमलों में मन एकाग्र करते हैं, ठीक है। ये एकादशी उपवास का अर्थ है, समझ में आया सबको, क्लियर? तो आगे चलते, शास्त्र में बहुत से वर्णन किए हैं। सो उपवास इस शब्द का, उपवास जो है, एकादशी जो है उपवास, वो भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय है, जैसे प्रभु जी ने बोला, ठीक है। इसमें हम लोग भगवान के नाम स्मरण में अधिक से अधिक समय बिताते हैं। तो ब्रह्मवर्त पुराण में यह कहा गया है कि आई डायरेक्टली रीड फ्रॉम द टेक्स्ट, ओके, जो उन्होंने पुराण में लिखा है। उपावृतस्य पापेभ्यो वस्तुवासो गुणे सह उपवास स विज्ञान सर्वभोग विवर्जित। इसका ये मीनिंग है, उपवास का मतलब सभी पापों से और इंद्रिय तृप्ति के कार्यों से दूर रहना। निश्चित ही एकादशी व्रत के पालन से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनकी प्राप्ति तो होती है, पर उसके साथ पंचम पुरुषार्थ भगवत भक्ति अथवा कृष्ण प्रेम भी प्राप्त होता है। इसका मीनिंग क्या है कि आपको जो भौतिक इच्छाएं हैं वो तो क्लियर हो जाती है, आपको मिल भी जाती है, लेकिन इसका इसके साथ साथ जो एकदम बहुत ही ज्यादा आपके जिंदगी के विचारधारा चेंज करती है वो कैसे? कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के बाद। तो आपको कृष्ण प्रेम भी मिल जाता है अगर आप एकादशी व्रत का पालन करें। सो श्री हरि भक्ति विलास नामक ग्रंथ में बताया गया है कि एकादशी व्रतम नाम सर्व काम फलम प्रदम कर्तव्यम सर्वदा विपरे विष्णु प्रेण न कारणम। सो इसका यह मीनिंग है, भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए, यह उनका कर्तव्य है। इसलिए हर एक व्यक्ति को भगवान की प्रसन्नता के लिए इस व्रत का पालन करना चाहिए।
भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होने से सुख और समृद्धि अपने आप प्राप्त होती है। ठीक है, इसका मीनिंग तो वेरी क्लियर है। सो ये हरि भक्ति विलास ग्रंथ में लिखा गया है, जो ओम विष्णुपाद नित्य लीला प्रविष्ट सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर अपने गीत में कहते हैं कि माधव तिथि भक्ति जननी जनते पालन करी, माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी। इसका यह मीनिंग है, माधव तिथि अर्थात एकादशी जन्माष्टमी इत्यादि व्रत भक्ति जननी का मतलब हमारे हृदय में भक्ति का निर्माण करने वाली है। इसीलिए वे कहते हैं कि हमें प्रयत्न पूर्वक उसका पालन करना चाहिए। तो जो भी हमारी क्षमता है, जैसे भी करके हम लोग एकादशी के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो फॉलो करें और इसका पालन करने का बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए आध्यात्मिक जीवन के प्रगति के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। ठीक है, संत शिरोमणि श्री तुकाराम महाराज कहते हैं, जासी नावड़े एकादशी तो चिताचे नरकवासी, जासी नावड़े हे व्रत त्यासी नरक तो ही भीतर, जासी घड़े एकादशी जाने लागे विष्णु पाशी, तुका मणे पुण्य राशि तोची करी एकादशी। तो इसका यह मीनिंग है, जिसे यह एकादशी अच्छी नहीं लगती वो जीते जी नरक में रहने वाला व्यक्ति है। जिसे यह व्रत पसंद नहीं है उससे नरक भी डरते हैं, नरक के जो वासी है वो भी डरते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति महापापी माना जाता है। जो एकादशी व्रत का पालन करता है उसे निश्चित ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसलिए तुकाराम महाराज कहते हैं, जिसने पूर्व जन्मों में पुण्यों की राशियां इकट्ठी की हैं, वे ही केवल एकादशी का व्रत का पालन कर सकते हैं। सो एकादशी को अन्न ग्रहण करने से क्या होता है, इसका वर्णन तुकाराम महाराज ने इस प्रकार कर रहे हैं। एकादशीस अन्नपान जे नर करिति भोजन श्वान विष्टे समान अधम जनते एक तया देही यमदूत जाले तयाचे अंकित तुका मणे व्रत एकादश दशी चुकरिया। इसका ये मीनिंग है कि जो लोग एकादशी को अन्न ग्रहण करते हैं भोजन करते हैं वह बहुत ही पतित जीव है, उन्हें अधम माना जाता है, क्योंकि वे जो भोजन करते हैं वह श्वान की विष्ठा के समान है। जो यह व्रत नहीं करता उसके लिए यमदूत है ही, वो नरक का गामी बनता है। एकादशी के दिन पाप पुरुष अन्न में वास करता है, इसलिए अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। जिसे अपना हित करना हो उसे निम्न लिखित अन्न का एकादशी के दिन त्याग करना चाहिए। तो ये सभी महान आचार्यों ने और हमारे जो शास्त्र में इसका उल्लेख ऐसा किया गया है, तो सबको पता चला कि एकादशी का महत्व थोड़ा। तो आगे चल के हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे कैसे उपवास करते हैं, टाइप्स ऑफ फास्टिंग, कौन से टाइप्स है, कैसे भगवान का निर्जला सजला सफल और जो एकादशी प्रसाद रहता है। ठीक है, इस चार तरीके का हम इस कौन में पालन करते हैं। जो पतंजलि, सबने सुना है पतंजलि सूत्र, तो पतंजलि सूत्र में ऐसा लिखा गया है कि जो मांसाहार करते हैं उनको महीना भर उपवास करना है, पूरा महीना, तो महीना भर उनको अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसे ही एक धर्म है जो इसका पालन करते हैं, कौन सा धर्म, रमजान का महीना, करेक्ट, ये हमारे वेदों में लिखा है। ठीक है, तो अभी ये जो धर्म आया है वो बहुत ही लेट इवॉल्व हुआ है, जो है मुसलमान का धर्म है। ठीक है, जो वो रमजान के मंथ में क्या करते हैं, पूरा महीना
सुबह से लेकर शाम तक अन्न ग्रहण नहीं करते और शाम के समय कुछ शाकाहारी भोजन का ग्रहण करते हैं और उस व्रत का पूरा महीना पालन करते हैं। तो ये हमारे वेदों में लिखा गया है जो वो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। सो इसका बहुत ही साइंटिफिक रीजन भी है, जैसे कि ये साइंस में भी लिखा गया है, जिसे मांसाहार करते हैं तो पेट में बहुत ज्यादा आपके एसिड पैदा हो जाते हैं, जैसे कि मीट खाना बहुत ही वर्जित है हमारे धर्म में, इसलिए ओके। और पतंजलि सूत्र में यह भी कहा गया है कि लोग जो शाकाहारी है वो महीने में दो बार उपवास करना चाहिए, ठीक है, महीने में दो बार, दो हफ्ते में एक बार, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एकादशी उपवास, जिसके आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो हम पूरा दिन निर्जल उपवास करना चाहिए, ठीक है। निर्जल माने बिना जल के, ठीक है, सजल जल के साथ, ठीक है, जल फ्रूट्स का रस इत्यादि जूसेस, ठीक है। सफल माने फलों के साथ, जिससे नहीं होता है, और अगर ये भी कंडीशन नहीं हो रहा है, फल के साथ भी नहीं हो रहा है, तो बाद में एकादशी प्रसाद लेते हैं। हमारे यहाँ कौन सा एकादशी प्रसाद बनता है, प्रसाद बोले तो सबको भूख लगेगी, ठीक है। तो जैसे कि हम था बताने की खिचड़ी वरी वरे वगैरह का ग्रहण करते हैं, कुट्टू भी बोल, ठीक है। तो हमारी शक्ति के अनुसार हमको ये इसका पालन करना चाहिए। सभी को निर्जल सफल सजल का करने का शक्ति नहीं रहती, अपने बल के मतलब अपनी शक्ति के अनुसार या अपनी समझ अनुसार या जैसे हमने शरीर साथ देता है वैसे ही हम लोग उपवास का व्रत का पालन करना चाहिए। तो योग सूत्र में यह भी कहा गया है, मान्यता है कि हमको थोड़ा जल तो पीना ही चाहिए, इसमें योग सूत्र में लिखा गया है। और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है कि थोड़ा हम लोग जल पीजें। इससे क्या होता है कि अगर हम लोग जल ना पिए तो हमारे पेट में जो एसिड्स बनते हैं उसका प्रमाण बढ़ जाता है, वो डिपॉजिट हो जाता है। तो इसके लिए थोड़ा थोड़ा गर्म पानी आपको नियमित मात्रा में पीना चाहिए। इससे क्या होता है, जो आपके पेट में जो एसिड्स है वो चले जाते हैं। तो ये साइंटिफिक और योग सूत्र में लिखा गया है, ठीक है, लेकिन ये इस माध्यम से, तो जिससे भी निर्जल होता है वो निर्जल करे, जिससे सजल होता है वो सजल करे, जिससे सफल होता है वो सफल भी करे, ठीक है। जितने ज्यादा आप, इससे क्या होता है, आपकी इंद्रियों के ऊपर आपके कंट्रोल आ जाते हैं। सबसे हमारा कौन सी जो सेंसेस है वो ज्यादा विचलित होती है, टन से हम लोग क्या क्या करते हैं, जीवा से, हाँ हमारे टेस्ट कहाँ है, करेक्ट, टेस्ट यहाँ है, कहाँ है, भगवान के प्रसाद में, अंडीएच मसाले में नहीं है, ठीक है। तो भगवान के समीप हम लोग शुद्धता से भगवान का नाम लेके अगर भोजन पकाइए और वही भोजन या वही प्रसाद भगवान को समर्पित करें और बाद में प्रसाद के रूप में खाएं, वही चिंतन से कि भगवान हमारे लिए ये भोग है, भगवान का क्या है, क्या है, भगवान के चखा हुआ प्रसाद है, उसका ग्रहण ये मन से हम लोग करें तो हमारी शुद्धता निश्चित भी है। बहुत लोग पाश्चात्य देश में प्रभुपाद के दिए हुए प्रसाद से ही भक्त बने हैं। इसके लिए इस्कॉन में एक बहुत ही फेमस स्वीट है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इस्कॉन बुलेट, इस्कॉन बुलेट, बुलेट मतलब कौन सा इस्कॉन बुलेट है, गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन प्रभुपाद जी ने गुलाब जामुन खिला खिला के भक्तों, जो ये जो हिप्पी है उनको हैप्पी बना के भक्त बनाया है, क्या, क्योंकि ज्यादा थी सामग्रियां नहीं थी, लेकिन प्रभुपाद जी खुद ये गुलाब जामुन बनाते थे और इन्होंने कभी गुलाब जामुन नहीं खिलाए, और वो गुलाब जामुन हमारे जैसे नहीं, छोटे छोटे, ये बड़े बड़े, क्योंकि प्रभुपाद जी कहाँ से थे, बंगाल से थे, ठीक है। बंगाल में आपने अगर कभी मायापुर गए हैं
तो उनका स्वीट डिश कैसा रहता है, ये बड़े बड़े बॉल के जैसे, ठीक है, जो एक खाए तो मन तृप्त हो जाता है क्योंकि उसमें भगवान का प्रसाद के रूप में ये रहता है, वास रहता है। तो हमारी इंद्रियां हैं जो वो तृप्त हो जाती है, कैसे, खाली भगवान का प्रसाद खाके, ठीक है। सो ऐसे ही कथा आती है श्रीमद् भागवतम में, जहां अम्बरीश महाराज हर दिन एकादशी में निर्जल उपवास करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि एकादशी के दिन उनके घर में एक मुनिवर आए। ये मुनिवर बहुत ही फेमस है। ये मुनिवर को कोई गैस कर सकता है? देखिए, मुनिवर सबको कथा पता है किसको किसको पता नहीं ये कथा, सबको पता है। ओके, सो दुर्वासा मुनि आते हैं, जो कैसे कि उनका प्रसिद्धता क्या है, प्रसिद्ध किसके लिए है, गुस्सा। गुस्से से क्या होता है, श्राप देते हैं। तो मुनिवर लोगों का गुस्सा से श्राप जो देना वो भक्तों के लिए क्या रहता है, एक आशीर्वाद के रूप में ही रहता है, ठीक है। तो वो आए थे अम्बरीश महाराज के एकादशी के दिन में, तो उनको बहुत ही अच्छा लगा। एक तो एकादशी तिथि है, ऊपर से मुनिवर भी आए हैं। साधु संत जब भी आते हैं, पहले के जमाने में जब भी साधु संत आते हैं तो सभी लोग उनका स्वागत करते हैं, उनके लिए कुछ बनाते हैं, खाना पीना देते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो उस दिन खाना मस्जिद था, तो उनके श्रवण कीर्तन चालू हुआ। और दूसरा दिन क्या करते हैं, क्या रहता है दूसरा दिन, द्वादशी। द्वादशी क्या करते हैं हम लोग, पारायण करते हैं, ठीक है। तो पारायण का समय हो चुका था, ठीक है। और दूसरा दिन अम्बरीश महाराज को क्या करना था, पारायण करना था, उपवास तोड़ना था। तो वो दुर्वासा मुनि को रुके थे, उनको लगा कि आज दुर्वासा मुनि आएंगे और उसकी फैमिली मिलके ये उपवास तोड़ेंगे। लेकिन बहुत देर हुआ, दुर्वासा मुनि आए नहीं। तो वो चिंता में पड़ गए क्योंकि समय तो बीता जा रहा था पारायण टाइम, और पारायण टाइम में आपको तोड़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे कि आपका जो उपवास करे और उसका जो फल मिले, वो अगर पारायण टाइम में आपने तोड़ा तो ही आपको फल की प्राप्ति हो सकती है, तो ऐसा कहा जाता है। तो इसके लिए वो बहुत ही चिंतित हो गए, तो क्या करूं, उनको पता ही नहीं चला। तो उन्होंने अपने मंत्रीगण से और ब्राह्मणों से पूछा कि ऐसा ऐसा है कि मुनिवर आए नहीं रहे, तो क्या करें। तो ब्राह्मणों ने उनको एक उद्देश्य दिया, उनको उद्देश्य कहा कि आप जल पी के या जो आपका उपवास है वो तोड़ सकते हैं। और जल एक ऐसा द्रव्य है जो आप पिए और ना पिए तो भी, पिए तो उपवास तोड़ता है और नहीं भी तोड़ता है। आप पिए तो आपका निर्जल उपवास टूटेगा, लेकिन एकादशी व्रत जो है बाकी के कंटिन्यू हो जाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आप, क्योंकि दुर्वासा मुनि है, उनसे पंगा पन लेगा, अगर उतनी उनकी आ गए उनके सारा भोजन करते उन्होंने पकड़ लिया तो शिवर 100% तो शापित करेंगे इसी डर से, या इसी। तो इससे हमको ये सीख मिलती है कि एकादशी का महत्व क्या है। सो संतों भक्तों के ऊपर एकादशी है, ठीक है। तो एकादशी का महत्व इतना भक्तों से भी ऊपर है। तो एक अम्बरीश महाराज की तो कथा होगी, अभी आगे चल के हम लोग और एक कथा आती है जैमिनी ऋषि की, सबको पता है जैमिनी ऋषि। तो ये कथा में ऐसा वर्णन किया है कि जैमिनी ऋषि ने प्रश्न किया था अपने गुरु महाराज से, उनके गुरु महाराज कौन है, व्यासदेव, ठीक है। व्यासदेव उनके गुरु जी थे, गुरु महाराज थे। तो गुरु महाराज ने उनको उनसे प्रश्न किया कि जो ये एकादशी है, एकादशी का महात्म्य के बारे में मैंने बहुत सुना है, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या करना चाहिए, क्यों एकादशी इतना इम्पोर्टेंट है, उसके लिए उन्होंने उनसे प्रश्न किया। तो उन्होंने बोला कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अच्छा है आपने पूछा, इसके माध्यम से लोगों को पता चलेगा कि आगे चल के एकादशी का महात्म्य क्या है। तो उन्होंने बोला, तो भगवान विष्णु के सभी पाप करने को दंड देने के लिए
पाप पुरुष का निर्माण हुआ था। सो पाप पुरुष कौन है? जो जो इस धरातल में जो पाप करते हैं उनको सजा देने के लिए पाप पुरुष को निर्माण किया था। किसने निर्माण किया था? भगवान श्री विष्णु ने। सो भगवान श्री विष्णु ने पाप पुरुष का निर्माण किया था। और ये पाप पुरुष इन सभी व्यक्ति को जो अपने कर्मों के अनुसार उनको सजा देते थे, ठीक है, तो सजा प्राप्त करने के लिए उनको नरक में यमराज जी के पास उनको ले जाया करते, ठीक है, तो उनके कर्म के अनुसार। तो पाप पुरुष है अपनी जो ड्यूटी है वो बहुत ही निष्ठा से करने लगे, और लगातार जो पाप करने वाले हैं लोग उनको कंटिन्यूअसली सजा देने के लिए। इससे क्या हो गया कि यमराज जी का जो जेल है वो भर गया, जो यमलोक है वो भर गया कंटिन्यूअसली, क्योंकि पाप पुरुष का क्या हुआ, उनको अपॉइंटमेंट लेके उनको लिया था कि ये सभी कार्य करने के लिए, तो कंटिन्यूअस ये चालू था। तो एक दिन क्या हुआ, तो ये कार्य चालू था, पाप पुरुष कर रहे थे अपना कार्य। तो एक दिन विष्णु, भगवान विष्णु आए यमराज से मिलने के लिए। तो उनसे मिलते, उनको यमराज को क्या कहते हैं, यमराज का और एक नाम है धर्म, अंदर से आवाज है धर्मराज। सो धर्मराज कहते हैं उनको। धर्मराज क्यों कहते हैं? हाँ, धर्म के अनुसार चलते हैं इसलिए धर्मराज है। धर्म के ऊपर जो राज, धर्म से जो चलते हैं और जो भी उनकी जो कर्म है वो धर्म के लिए होते हैं, ठीक है। धर्मराज के संतान कौन है? जो महाभारत में युधिष्ठिर, उनको भी धर्मराज कहते हैं क्योंकि वो यमराज के क्या थे, प्रसाद थे, ठीक है, प्रसाद रूप में आए थे धरातल में, ठीक है। तो भगवान विष्णु जब यमराज से मिलने को आए तभी वार्तालाप हो रहा था दोनों के बीच में, तभी विष्णु ने चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी, बहुत ही डरावनी चीखे थी। तो विष्णु जी चौंक गए कि ऐसा क्या हो रहा था, तो यमलोक में आए तो चीखे तो नहीं देगी, तो उन्होंने बोला कि जो पाप कर रहे हैं उनको सजा मिल रही। तो भगवान विष्णु ने सोचा ये मैंने क्या कर दिया, उनको मन में करुणा जा गई, ठीक है, कि ये जो पापी व्यक्ति जो भी है उनके ही तो अंश है, ठीक है, भगवान से ही तो अंश ये जो है पुरुष, पुरुष मतलब परमात्मा का अंश, ठीक है, इसलिए पुरुष, तो ये तो भगवान के अंश है, उनका ये जो है उनकी दशा देख के भगवान के मन में करुणा जा गई। तो उन्होंने वो पूछा कि ये यमराज आप इतने उनको क्यों सजा दे रहे हैं, नहीं आप ही ने तो पाप पुरुष को पैदा किया है, तो पाप पुरुष तो अपना काम निष्ठा से कर रहा है, पूरा प्रामाणिक से कर रहा है, तो ये सभी तो होना ही है, और यमराज यमलोक में आएंगे तो यमलोक में तो कह रहा है सजा तो मिलेगी उनके कर्मों के अनुसार, और यहाँ सजा बहुत ही क्या होती है, भयानक होती है, जैसे आंखें निकालना, ये बहुत सी आपको अगर सुनेंगे तो और भी ये लगेगा। तो यहाँ भी ऐसा नहीं है कि आपको तीनों लोक में ये नहीं है क्या, सजा नहीं है, ये तीनों लोक में आना मतलब सजा ही है आपके लिए, जैसे कि स्वर्ग लोक में आपको लोग स्वर्गवासी बन गए, किसको पता है, सब लोग स्वर्गवासी लेट समथिंग स्वर्गवासी, उनको थोड़ी पता है स्वर्ग में पहुंच गए या कहां पहुंच गए, लेकिन सब लोग बोलते हैं कि ये लेट स्वर्गवासी स्वयं सो, पता नहीं आपने जाके देखा है क्या स्वर्ग में मेरे जाके देख गए, किसी को पता नहीं। तो स्वर्ग में भी आपका क्या है, लिमिटेड लाइफ है, थोड़ा प्रोलोंग है आपको जो लाइफ है, दैट इज लॉन्गर, कहां से, मृत्युलोक से, मृत्युलोक मतलब धरातल से पृथ्वी पर, पृथ्वी से पृथ्वी पर अभी एवरेज क्या है, एवरेज लाइफ पूरा भारत में 4-5 लोग रहेंगे जिसका स्वर्ग 100 साल 60-70 एवरेज है, ठीक है, सो 70 पकड़े 70 है, तो मृत्यु लोक में आपको मृत्यु निश्चित है, तो वहां भी आपको सफरिंग करना पड़ेगा। तो सफरिंग का जो प्रोसेस है, स्टेजेस है, वो अलग अलग है, स्वर्ग लोक में थोड़ा कम है, और जैसे कि हमारा रहता है ना, जैसे रिच
मिडिल क्लास एंड गरीब पुअर लोग, लोअर क्लास और गरीब लोग, ये वैसे ही है। जो रिच है तो वो क्या है, स्वर्ग के लोग। जो इसमें है मिडिल क्लास है वो पृथ्वी पर है, मृत्यु लोग में। और जो गरीब है उनको पाताल लोग, पाताल लोग में। तो गरीब तो ठीक है, थोड़ा कुछ उनको सुख मिलता है, लेकिन पाताल लोग में जीरो पर सुख तो प्राप्ति नहीं है। तो आपको वहां हमेशा सजा देती है, ठीक है। तो हम लोग आते कर्मों के अनुसार उनको उनको सजा मिलती है। और विष्णु को ये करुणा आ गई कि ये लोग के साथ क्या करें। तो यमराज ने उन्होंने पूछा कि इसका निवारण क्या है। यमराज ने बोला तो आपने पाप पुरुष ने कर दिया, ये तो कर्म चलेगा ही। तो विष्णु तो सोच में पड़ गए कि क्या किया जाए, समझ में नहीं आती। तो ऐसे विचार करते करते उनके मन में जो करुणा बहुत जागी, इतनी करुणा जागी कि स्वयं एक देवी प्रकट हुई उनके मन से, एक देवी प्रकट हुई। और देवी जब प्रकट हुई तो उन्होंने क्या बोला कि हे व्यक्ति, जो जितने भी व्यक्ति हैं, अगर आप इसी दिन उपवास करेंगे, व्रत का पालन करेंगे और भगवान के लिए सभी अपने दिन भर के जो कार्य हैं भगवान के सेवा में लगाएंगे, हरिनाम करेंगे, कथा करेंगे, हरि के बारे में कथा करेंगे, तो मैं आपको इस पाप से मुक्ति दूंगी। तो उन्होंने डायरेक्ट डिक्लेयर कर दिया। और डिक्लेयर करते तो ये यमराज और ये दोनों शौक में, ये कौन है करके व्यक्ति ऐसे डायरेक्ट रखे हमारे रहते हुए, ये आके डायरेक्ट घोषणा कर रही है कि इस दिन में कोई भी ये क्या कार्य करे तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। हमारे इतना सिस्टम बिठाया है, उस सिस्टम को ये बाईपास कर रही है, कट ऑफ कर रही है। कौन है व्यक्ति? तो विष्णु, भगवान विष्णु ने पूछा आप कौन हो देवी और आप ऐसे क्यों बोले। तो उन्होंने बोला कि मैं एक दासी हूँ, एकादशी, आपकी दासी हूँ, एकादशी। इसके लिए उनको एकादशी कहा जाएगी, एक दासी। एक दासी मतलब एक और आपकी दासी, इसलिए एकादशी उनका नाम पड़ेगा। तो आपकी मैं दासी हूँ, तो आप ही की दासी हूँ, इसलिए मैंने मेरा जब दिन आएगा, जो 11वां दिन है, उस दिन में अगर कोई भी व्यक्ति आपका नाम लेगा, दिन भर उपवास रखेगा और पूरा जो हमारा समय है भगवान के कार्यों में लगाएगा, भगवान की सेवा में लगेगा, तो उनके जो पाप है मैं हर दूंगी। से एकादशी ये कहती है। और बाद में भगवान विष्णु से प्रार्थना करती है कि मुझे इस कार्य के लिए शक्ति दे कि नियमित से हर शाश्वत काल से मैं ये जो सेवा है मैं कर पाऊं, कि आपके जो भक्त हैं उनकी जो भक्ति करे या इस उपवास को जो करे उनको मैं पाप से मुक्ति दूं, ऐसी वो प्रार्थना करता है। जैसे ही वो प्रार्थना करती है भगवान क्या बोलते हैं, विष्णु तथास्तु। तो तभी से लेके अभी तक ये जो उपवास जो करते हैं उनके पाप कर्म है वो कम हो जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आपको लाइसेंस मिल जाए, आप पाप, हाँ पाप करें तो ग्रह मिट जाएंगे, पाप करें मिट जाएंगे, पाप करें थोड़ी है। दाग अच्छे होते हैं, बिल्कुल नहीं, दाग अच्छे नहीं, ये वाले दाग अच्छे नहीं होते, ठीक है। तो ऐसे करने के बाद उन्होंने चली गई। तो सबसे बड़े चिंतन में कौन आ गए, इससे क्या होगा, यमराज खाली हो गया, उनके जेल खाली हो गए, वो टेंशन बोला अच्छा हुआ पहला काम कम हो गया। लेकिन जिसका जन्म हुआ था इस कार्य करने के लिए वो चिंता में पड़ गए, वो कौन है, पाप पुरुष। तो पाप पुरुष जल्दी दौड़ के आए, ये क्या किया आपने, आपने एकादशी माता का तो सुन लिया, यमराज का सुन लिया, मेरा क्या, मैं जिसके लिए आया हूँ, जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है वो तो कार्य खत्म हो गया। तो विष्णु तो चिंता में पड़ गया, ये तो ये भी सही है, क्या करना चाहिए अभी, ठीक है। तो बोले आप उसका कुछ निवारण करो, नहीं तो मेरा समाप्त हो गया, मेरा तो लाइफ बर्बाद हो गया, ठीक है, मेरा तो कुछ इच्छा ही नहीं है और मेरा जो कुछ देय नहीं है, उद्देश्य नहीं है इस जीवन को आपकी सेवा में कैसा करो, यही तो मेरी सेवा थी, आपने वो भी ले ली, तो ठीक है। भगवान विष्णु जैसे करुणा में है तो उन्होंने क्या बोला, ठीक है, जब भी एकादशी रहती है तो आप छुप जाओ
और बाकी के दिन में आपका प्रभाव रहेगा, ठीक है। महीने में दो बार एकादशी रहती है, बाकी दिन तो एकादशी नहीं आती माता जी। तो एकादशी के दिन तो भगवान ने बोला कि आप पुरुष छुप जाओ और बाकी का दिन आपका प्रभाव रहेगा, ठीक है। आप कार्य करते रहो, आपका जो रोज का कार्य है, किस पाप जो करते हैं उनको सजा देना, तो ठीक है। लेकिन मैं छुपू तो छुपू कहा, सभी धरातल तो आप ही हैं, कहीं भी छुप जाओ आप मिलेंगे, आप रहेंगे एकादशी, और एकादशी आपकी दासी है, वो तो मुझे ढूंढ ही लेगी, तो आप ही इसका निवारण क्या करूंगे। तो इसके लिए भगवान विष्णु ने उनको धान में छुपने की आज्ञा दी। इसीलिए हम लोग एकादशी के टाइम पे उपवास में धान की राशि, धन हम लोग नहीं खाते, धान्य जो रहती है, ठीक है, वो खाते नहीं, क्योंकि उसमें पाप पुरुष का वास रहता है। अगर आपने वो ले ली तो क्या होगा, स्वाहा, ठीक है। तो आपको वो पूरा पाप लेना पड़ेगा और बाद में है यमराज रुके हैं आपके लिए, ठीक है। तो ऐसा है, तो इसके लिए ये जो हम लोग पाप पुरुष न जाने के लिए हमारे अंदर, तो इसलिए हम लोग एकादशी के दिन धान्य का ग्रहण नहीं करते। तो ये थोड़ी बहुत मैंने प्रयास किया है। तो इंदिरा एकादशी के बारे में एक कथा है, वो मैं बोलता हूँ। सो ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के संवादों में इंदिरा एकादशी का महात्म्य लिखा है। तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि हे मधुसूदन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है, उसे पालन करने की विधि क्या है, इस व्रत से क्या फल प्राप्ति होती है, कृपया विस्तार से इसका वर्णन करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस एकादशी का नाम है इंदिरा एकादशी। इस व्रत के पालन से पतित पितरों का उद्धार होता है और व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, सतयुग में इंद्रसेन नाम का राजा था, अपने सभी शत्रुओं का पराजित करके वह महिष्मतीपुरी राज्य पर राज करता था। अपने पुत्र पौत्र को समेत वह आनंद के साथ रहता था। तो उसे भगवान विष्णु के प्रति बहुत ही वो भक्त था, इसलिए वह नित्यम गोविंद का स्मरण करता था, हरिनाम का जप करता था। एक बार राजा ने अपने सिंहासन पर आनंद से विराजमान हो रहे थे और राजकरण चल रहा था। तभी एक दिन, इसी टाइम पे कौन आते हैं ज्यादातर, देवऋषि नारद मुनि। तो नारद मुनि को कैसा हम लोग लास्ट टाइम में इसका वर्णन किया था, सो देवऋषि आपने थे आश्रम प्रधान, तो देवऋषि को कहा, उसको देवऋषि क्यों कहते हैं नारद जी को, हाँ देवताओं के ऋषि, ठीक है। तो उनको देव ऋषि कहा जाता है, वो और हर वक्त क्या करते हैं, नारायण नारायण, ठीक है। तो सीरियल्स में, हमारे टीवी सीरियल्स में या मूवीज में उनको कैसे, उनको कैसा दिखाया गया है, नारद जी को चुगली, चुगली करने वाला, इधर की बात उधर करने वाला, नेगेटिविटी स्प्रेड करने वाला, ऐसा दिखाया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप अगर शास्त्र पढ़ो, इसलिए टीवी पे यूट्यूब इस पे मत जाओ। अगर आपको जानना है किसी व्यक्ति के बारे में तो शास्त्र पढ़ो, कि शास्त्र में, क्योंकि ये अपने अपने टीआरपी के लिए, अपने किसी कारण के लिए वो उस व्यक्ति को कैसे भी तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, जैसे कि उनकी उनका फायदा हो। भगवान कृष्ण का सीरियल है, कुछ भी है, थोड़ा तो मसाला उनको डालना ही है, ठीक है। जो बिल्कुल आध्यात्मिक नहीं है वो मसाला भौतिक है, इसलिए सभी हो रहा है, ठीक है। ऐसा कभी भी नहीं होता है जैसे सीरियलों में दिखाया जाता है, ठीक है। थोड़े चीजें इधर उधर वो ठीक है, लेकिन ज्यादा ही उनमें मसाला डालते हैं। ज्यादा मसाला डालने से क्या होता है, डाइजेशन इश्यू हो जाता है वही। इसलिए हम ज्यादातर तो लोग देखने के बाद भगवान के समीप उनको जाना, वो हजम नहीं होता है, भगवान ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो ये उनकी मन का विचार आ जाता है, ठीक है। तो देवऋषि नारद आए और पूछे, हे राजन,
आपके राज्य में सभी सुखी तो है, आप धर्म का पालन करते हुए शासन कर रहे हैं तथा भगवान विष्णु के चरण कमलों में आपकी भक्ति है ना? तो ये प्रश्न उन्होंने किए। तभी राजा ने उसका उत्तर ऐसे दिया, हे देवऋषि, आपकी कृपा से सभी ठीक है, यज्ञों के फल हेतु ही आज आपके दर्शन हुए, कृपया आपके आगे आने आने आपके आने का उद्देश्य क्या है बताइए। राजा के नम्र वचन सुनकर नारद मुनि ने कहा, हे नृपुर श्रेष्ठ, एक घटी हुई अद्भुत घटना सुनो। ब्रह्म लोक से यमलोक गया था, वहां पर यमराज ने मेरा योग्य स्वागत किया, तो वहां पर मैंने आपके पुण्यवान पिताश्री को देखा था, तो उन्होंने मेरे पास आपके लिए एक मैसेज भेजा है। तभी व्हाट्सएप नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो इस रूप से। लेकिन नारद जी तभी भी वाईफाई यूज कर रहे थे, कैसे वो कहीं भी किसी भी वक्त जा सकते थे, ठीक है, एक ही व्यक्ति थे, कभी भी किधर भी तीनों लोग में उनको एंट्री था। सो ये क्या थे, मैसेंजर थे, व्हाट्सएप नहीं है, व्हाट्सएप मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर अभी पहले नहीं थे। तो नारद मुनि देवताओं के या ऋषि गणियों के या साधुओं के क्या थे, मैसेंजर थे, ओके। तो तभी से मैसेंजर थे, अभी हमको पता चला, ठीक है। तो उन्होंने कहा, हे देवऋषि, मेरा पुत्र इंद्रसेन महिष्मतिपुरी का राजा है, उससे आप कहना कि अनजाने में किए गए पाप कर्मों के कारण मैं यहाँ हूँ, मेरे उद्धार के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत पालन करे, उसका फल जो है मुझे अर्पण करे। नारद मुनि ने ये कहा और बोला कि हे राजन, आपके पिताश्री को भगवत धाम की प्राप्ति करना है, इसलिए आपको इंदिरा एकादशी का व्रत का पालन करना पड़ेगा। तभी राजा ने पूछा, हे देवऋषि, कृपया इस व्रत की विधि कैसे करें मुझे बताइए। तो नारद मुनि ने कहा, हे राजन, दशमी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान के पश्चात पितरों को तर्पण देना चाहिए, केवल एक बार ही भोजन और रात को चटाई पर सोना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान करें, उसके बाद दिन भर प्रजल्प न करने का व्रत धारण करें, पूर्ण उपवास करना चाहिए, भगवान अरविंद ने आपकी शरण में आया हूँ ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। मध्याह्न के समय शालिग्राम के समान पितरों को तर्पण अर्पण करना चाहिए और भोजन ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए, बचा हुआ अन्न गायों को देना चाहिए, चंदन फूल धूप दीप और भोग अर्पण करके भगवान ऋषिकेश की पूजा करनी है, भगवान के नाम का गुणगान, लीलाओं का श्रवण, कथन पढ़ना, कीर्तन इत्यादि करके रात भर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन भगवान श्री हरि की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन अर्पण करना चाहिए, इसके बाद अपने बंधु पुत्र पौत्र के साथ उपवास छोड़ना चाहिए, भोजन करते समय शांति होनी चाहिए। हे राजन, मेरे कहे अनुसार अगर आप व्रत का पालन कर रहे हो तो आपके पितरों को जल्दी ही भगवत धाम की प्राप्ति होगी। इतना कहकर देवऋषि अंतर्धान हो गए। देवऋषि नारद के कहे अनुसार राजा ने व्रत का पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से स्वर्गलोक से पृष्ठ वृष्टि हुई और राजा के पिताश्री को गरुड़ पर बैठा के वैकुंठ लोक में लेके गए। उसके बाद राजा ने अनेक वर्ष आनंद पूर्वक राज्य किया। ये कथा है इंदिरा एकादशी का, जो कल ही हुई थी। तो एकादशी का महत्व इतना है। तो मैं अपनी कथा को विराम देना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि टाइम हो चुका है। थैंक यू। हरे कृष्ण।